हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फाइब्रो स्कैन टेस्ट के नॉर्मल लिमिट क्या होती है। अगर आपने लीवर से संबंधित आपको परेशानी थी और आपने अपना फाइब्रो स्कैन टेस्ट करवाया है और आप उसकी रिपोर्ट जानना चाहते हैं कि वो कैसी आई है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। यहाँ पर मैं आपको नॉर्मल रेंज बताऊँगा जिसमें आप ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि कैप क्या है और KPA क्या है। तो एक फाइब्रो स्कैन एक टेस्ट होता है हमारी लीवर की स्थिति, जो उसकी कंडीशंस हैं, उसको जानने के लिए कि हमारे लीवर के अंदर प्रॉब्लम हुई है। तो जनरली आप लीवर का अल्ट्रासाउंड, मतलब पेट का एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, उससे पता लग जाता है। LFT लीवर फंक्शन टेस्ट करवा लेते हैं, उससे पता लग जाता है। तो फाइब्रो स्कैन भी एक अगला टेस्ट है जो कि आप अपने आस पास के जो भी गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं वहाँ पर जाकर आप करवा सकते हैं। लगभग 2000 से 2500 रुपये तक की रेंज का एक टेस्ट होता है। वाइब्रेशन मैथड से इसका पता किया जाता है कि आपका लीवर किस स्थिति में है। तीन कंडीशंस जानने के लिए खास करके इसको किया जाता है, फैटी लीवर, लीवर फाइब्रोसिस और थर्ड वन इज लीवर सिरोसिस, कि आपकी कौन सी स्टेज चल रही है। अब इसमें दो पैरामीटर सामने आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैप की, ये कैप क्या होता है। तो कैप है कंट्रोल एटेन्यूएशन पैरामीटर, इसका एक फुल फॉर्म है। सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे लीवर के ऊपर कितनी फैट एक्यूमुलेट हो गई है, ये उसको कैलकुलेट करता है। ठीक है, स्टियोसिस ग्रेड को पता करने के लिए हमें फैट का एक्यूमुलेशन जानना बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के सिंपल सी भाषा में आपके लीवर पे कितनी फैट आ गई है उसको जानने के लिए इसका बहुत बड़ी वैल्यू है कि आपका कैप कितना चला हुआ है। किसी व्यक्ति का कैप 200 भी हो सकता है, 250, 300, इवन 350 तक भी वो हो सकता है। तो इसकी रेंज को आप देख के घबराइए मत। इसकी नॉर्मल रेंज 100 से लेके 400 डीबी पर मीटर होती है, डेसिबल पर मीटर या इसकी रेंज देखने को मिलेगी। आप इसमें बिल्कुल भी मत घबराइए। अगर 100 से लेके 400 के बीच में आपकी रेंज आ रही है तो आपकी स्थिति ठीक है, लीवर के अंदर कोई समस्या नहीं है। सेकेंड की हम बात करते हैं जो कि आता KPA स्कोर। KPA है किलो पास्कल, ये भी एक तरह का पैरामीटर है। इससे हमें लीवर की स्टिफनेस का पता लगती है कि हमारा लीवर कितना स्टिफ हो चुका है, कितना वो हार्ड हो चुका है, कितना वो फाइब्रोसिस वाली कंडीशन में पहुंच चुका है। तो जनरली आप देखेंगे वहां पर रेंज लिखी होती है कि आपका KPA 15 है, 12 है, 10 है, इस तरीके से आपको KPA की रिपोर्ट देखने को मिलेगी। तो जनरली इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 2 to 7, 2 से लेके 7 तक KPA तक अगर उसके बीच में, तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लीवर के अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, कोई लीवर की डिजीज होगी तो आपका KPA बढ़ना शुरू हो जाएगा, इवन साथ साथ में आपका कैप CAP भी बढ़ना आपका शुरू हो जाएगा। तो इसके नॉर्मल लिमिट इतनी होती है, 2 से अगर 7 के बीच में है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक रिपोर्ट लगाई थी, उसमें आप देखेंगे 2 स्कोर लिखे हुए हैं कि आपका कैप स्कोर कितना है और KPA स्कोर कितना है। तो 100 से लेकर 400 तक कोई समस्या नहीं है, 1 से लेकर 7 तक KPA की रेंज है वो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये इसके नॉर्मल रेंज, और आप बिल्कुल भी अब इसमें कन्फ्यूज मत होइए। इसको ठीक करने के लिए, इसको कम करने के लिए अगर ज़्यादा बड़ा हुआ है तो अपने गैस्ट्रोलॉजिस्ट, जो पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, आप उनसे मिलिए। SGPT थोड़ा बहुत आपका बड़ा हुआ है तो आप मेरे वीडियोस जाके देख सकते हैं, इसकी प्लेलिस्ट आपको नीचे भी मिल जाएगी कि आप अपना SGPT SGOT कैसे कम कर सकते हैं। वो कम होगा, साथ में आप ये कंडीशन ठीक होगी, तब जाके आपका लीवर फिर से हेल्दी हो पाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।